स्वर्गीय श्री शिवचरण जी माथुर साहब की 12वीं पुण्यतिथि 25 जून को मनाई जाएगी। शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान का सराहनीय प्रयास। शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की स्थापना श्रीमती सुशीला देवी माथुर द्वारा माननीय श्री शिवचरण जी माथुर साहब की स्मृति में सन 2010 में मांडलगढ़ राजस्थान में की गई। श्री शिवचरण जी माथुर साहब ने विभिन्न पदों पर कार्य किया, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे एवं असम के राज्यपाल का कार्यभार भी ग्रहण किया। असम के राज्यपाल पद पर रहते हुए ही उनका देवलोक गमन हुआ। उनके मूल्यों पर आधारित यह संस्थान एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में कार्य करते हुए आम नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में चहुमुखी विकास हो सके। इन गतिविधियों के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, ग्राम सर्वेक्षण कार्यक्रम, असर कार्यक्रम, हिंदी व अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता एवं रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उपरोक्त गतिविधियां स्थानीय, क्षेत्रीय, राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करके नागरिकों में जीवन से संबंधित विभिन्न आयामों के प्रति स्पष्ट समझ जागृत करती है एवं जीवन को नियंत्रित व नियमित करने के लिए क्षमता का विकास करती है। शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान द्वारा कोरोना महामारी के संकट काल में 5000 मास्क कलेक्टर भिलवाड़ा एवं 100 ऑक्सीमीटर और 5000 मास्क SDM मांडलगढ़ को प्रदान किए गए, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को ये उपलब्ध कराए जा सके। इसके अलावा कुछ गंभीर रूप से बीमार मरीजों को संस्थान द्वारा चिकित्सकीय मदद एवं यथासंभव सहायता की गई। संस्था सचिव विभा माथुर ने बताया कि वर्तमान में भी संस्था शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में कार्यरत है।